डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस वार्ता करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला। मुजफ्फरनगर में जब एक हमारी बेटी के साथ बहन के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उस समय क्या हुआ था? केवल आपने वोट के चक्कर में, केवल वोट के बंटवारे के चक्कर में आपने किसी व्यक्ति को छोड़ दिया था, गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पूरे देश ने सर्वजनिक स्थिति का सामना किया था। मुजफ्फरनगर दंगे में कितने लोग मारे गए थे जो निरपराध थे। समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहते और हम आज कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी का डीए नहीं ऐसा। समाजवादी पार्टी की व्यवस्था ही ऐसी है, जब जब वो सरकार में आते हैं, गुंडे माफिया मवाली सारे लोग डॉलर खड़ा करके प्रदेश की जनता के ऊपर रोड रोलर चलाने का काम करते हैं, रोड रोलर चलाने का काम करते हैं, जनता को कुचलने का प्रयास करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये किसी अपराधी को बकसने वाली सरकार नहीं है। हर स्थिति में दूध का दूध पानी का पानी होगा, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की काम हमारी सरकार अदालत के माध्यम से। हम सब जानते हैं बहु बेटी पर अत्याचार अनाचार सर्वाधिक समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, लेकिन आप लोग एनसीआरपी के आंकड़े उठा करके देखेंगे, बहु बेटी पर अत्याचार अनाचार हमारी प्रदेश की सरकार में कम हुआ है। और सर्वाधिक सजा दिलाने वाली अगर कोई सरकार है तो उत्तर प्रदेश सरकार है, अदालत के माध्यम से आप एनसीआरपी के आंकड़े देख सकते हैं। जहां तक अखिलेश यादव जी बार बार सवाल उठा रहे कि माँ के आंसू समझ में नहीं आए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने जिस ढंग से भोले भाले लोगों की संपत्ति को लूटा है, खुलेआम असलहे के बल पर अपहरण किए हैं, खुलेआम असलहे के बल पर के रेप हुए हैं, खुलेआम जमीन पर कब्जा हुए, सरकारी खेतों पर लूट हुई है समाजवादी पार्टी के शासन काल में, क्या उन घटनाओं पर वो श्वेत पत्र जारी करेंगे? मैं अखिलेश यादव जी से समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना चाहता हूँ, अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई है, कन्नौज की घटना कौन किया है? मैं अपने पत्रकार मित्रों से पूछना चाहता हूँ, कन्नौज की घटना कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हैं। हमारी सरकार किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है, ये सबकी सरकार है, सबके हितों की चिंता करती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम प्रदेश में कानून के राज को स्थापित करें और हर स्थिति में लोगों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करें। हम जब जानते हैं कि इस घटना में जो लोग वांछित थे उनके पास से गिरफ्तारी के दौरान 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है, जो दिन दहाड़े लूट हुई थी 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास करती है, जबकि प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को जब जब इनकी सरकारें रही हैं, जब जब इन्हें ताकत मिली है ये पुष्पित पल्लवित करती रही है। जहां तक आप सब जानते हैं समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से अपनी विगत सरकारों के दौरान आप देखते होंगे, हमें अच्छी तरह याद है इसी राजधानी लखनऊ में हजरतगंज के क्षेत्राधिकारी को लोहिया वाहिनी के गुंडों ने बोनट पर टांग करके लखनऊ की सड़कों पर घुमाया था, और बेचारे वो पुलिस उपाधीक्षक बोनट पर लटके लटके पूरे लखनऊ में सड़कों पर नंगा नाच लोहिया वाहिनी के गुंडों ने किया था। फिर लोहिया वाहिनी के गुंडों की हिम्मत देखिए, उस समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस जीप को ले जाकर के एसएसपी लखनऊ के बंगले में घुसा दिए थे, और एसएसपी लखनऊ के माध्यम से उन गुंडों को, जिन लोगों ने क्षेत्राधिकारी हजरतगंज को बोनट पर जीप पर टांगा था उनको बचाने का काम हुआ था। आज तक उस घटना में कितने लोगों की सजा हुई है समाजवादी पार्टी बताए। दूसरी घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, बदायूं में 2 महीनों के साथ जो घटना घटित हुई थी पूरे देश और दुनिया में चर्चा हुई थी, समाजवादी पार्टी आज तक उस बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दे पाई है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूट करके उनकी हत्या करके पेड़ पर टांगा जाता था। तो तीसरी घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मथुरा के जवाहर बाग कांड को कौन भूलेगा? हमारे एडिशनल एसपी, हमारे पुलिस अधिकारी वीर गति को प्राप्त किए थे, अपराधी जो समाजवादी पार्टी की सरकार के संरक्षण में थे, कई दिनों तक गोलियां चली थी, गोला बारूद इकट्ठा करके रखे थे, ये समाजवादी पार्टी की संरक्षण की ही देन है।
कि जब जब सपा की ताकत मिलती है अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और प्रदेश की भोली भाली जनता का अमन चैन भी लूटते हैं, उनकी धन संपत्ति भी लूटते हैं और बहु बेटी की इज्जत आबरू को भी खतरे में डालने का काम करते हैं, अपराधियों को संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, उनको अपने परिवार का बता रहे हैं। प्रदेश की जनता के समक्ष कुछ तथ्य में रखना चाहता हूं। सुल्तानपुर की घटना में प्रदेश की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, चूंकि आधुनिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का युग है, हमारी सरकार ने सभी तथ्यों को गंभीरता के साथ जांच के दायरे में लेते हुए सर्विलांस के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तथ्यों को जानकारी एकत्र की। जो लोग वांछित थे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उनकी मोबाइल लोकेशन निकाल करके वांछित लोगों की पड़ताल करके पहचान करके कार्रवाई प्रारंभ की। उस कार्रवाई के दौरान जो अपराधी पकड़े गए वो पुलिस मुठभेड़ में मारे भी ढेर सारे लोग गए। चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या प्रदेश की कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन माने का काम करती है। ये पहला मैं लखनऊ